आप लोग उनको खदेड़ने वाले हैं, उनके बीजेपी में बगावत होने वाली है। अब बगावत होने वाली है। अब वो कह रहे कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। नहीं नहीं, बगावत होने वाली है। नितिन गडकरी को काट रहे हैं, वो राजनाथ को अलग हटा रहे हैं। देखना कैसे बगावत आएगी। सारे तो मंत्री बने हुए हैं, सारे तो मंत्री बने हुए हैं। मंत्री, अरे मंत्री को भी तो हटा दिया जाता है। जब वो कैमरे से हटा सकता है तो मंत्री को नहीं हटा सकता। कैमरे से हटा देता है वो। आपको पता है इंडिया गेट में क्या किया था उन्होंने 26 जनवरी को? राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनको कैमरे से हटा दिया था। गोदी मीडिया का बायकॉट कर रखा है कांग्रेस ने। कहा रोज तो उनके प्रवक्ता वहीं बैठे रहते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर हम नहीं जाते तब भी तो हमें दिक्कत है। तब भी तो आप कांग्रेस से सवाल करते हैं। अगर हम नहीं जाते तब भी आप कांग्रेस से सवाल करते हैं। रोज प्रवक्ता हमने गोदी मीडिया नहीं जाएगा। गोदी मीडिया अलग नैरेटिव। कौन सी है गोदी मीडिया बताइए? मुझे नाम बताने के लिए आप भी जानते हैं। नाम बताओ। अरे आप भी जानते हैं। जो मीडिया गोबर को सोना दिखाती है वही गोदी मीडिया। वो है गोदी मीडिया। मीडिया जिन्होंने 2014 के चुनाव से पहले 17 चैनल खरीद लिए थे। किसने खरीदे, नाम तो बताओ, डर लगता है। आपको नहीं मालूम है? अडानी है, अंबानी है। अंबानी ने खरीदे 17 चैनल। अडानी राजस्थान में प्लांट लगा रहा है। राजस्थान लगा रहा तो उद्योगपति कहीं भी लगाएगा? हिंदुस्तान में आता राजस्थान का। जनता के सामने गाली और जनता के सामने गाली क्यों होते? राजस्थान में प्लांट लगा रहे, अच्छी बात है बुरी बात है? गलत किया चैनल खरीद लिए तो? गलत तो करेगी। अगर भोपू बोल रहा सारा खरीद गया और मोदी जी का भोपू बन गया, मतलब आपके यहाँ प्लांट लगाए तो सही है। अरे प्लांट कहाँ से आ गया उसमें? प्लांट तो हिंदुस्तान में लगा रहा ना वो। वो क्या विदेश में लगाएगा? कहाँ लगाएगा? हिंदुस्तान में लगाएगा? लगा रहा है राजस्थान में, हिंदुस्तान में आता है। राजस्थान में हिंदुस्तान में आता है। बैंक का जो पैसा, अच्छी बात है ना, बैंक का जो पैसा लेके भागे हैं वो सारे वो लोग भागे हैं जो बीजेपी के आदमी थे, चमालिया से लेके नीलम मोदी तक। गुजराती गई है ना? गुजराती गुजराती गई है। जो कभी भी 70 साल में कांग्रेस के टाइम में देश की ये हालत नहीं हुई कभी सर, कभी देश की हालत नहीं हुई कि गरीब को गरीब हुआ है और मालदार हुआ है। ये बात करिए कांग्रेस के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में हर आदमी अपने आप में सुखी था, मेहनत मजदूरी करके शांति से रोटी खाता था। आज देश की दशा ये है कि आज हिंदू मुस्लिम को लेकर के बीजेपी ने आमने सामने खड़ा कर दिया सब लोगों को। भगवा रंग का अपमान हो रहा है। भगवा रंग सबका है। भगवान किसका है? भगवान सारे हिंदुस्तान का है। भगवा रंग सारे हिंदुस्तान का आपका भगवा रंग है। ठीक है ना, सारे हिंदुस्तान भगवा किसका? भगवा रंग हमारा सारे हिंदुस्तान का है। भगवा रंग किसका? कौन कह रहा है? अरे उनका क्या है? वो उनका क्या होता? भोगते जाते हैं कुछ भी। उनका क्या है? सुनिए, 67 साल में सभी सरकारों के अंदर जितना कर्ज नहीं हुआ, 52 लाख करोड़ खर्चा देश पे सभी संस्थाओं का, और अब 128 लाख करोड़ हो गया है 8 साल में। 128 लाख करोड़ हो गया। भगवा रंग का अपमान हो गया, झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। अरे भगवा रंग का अखबार कहाँ होगा? भगवान सबका है, सबका है। भगवा रंग का अखबार करने वाले वही है सर। सवाल बहुत है। जो PM केयर फंड है उसकी जाँच करा दीजिए ना। जो PM फंड केयर फंड है उसकी जरा एक बार जाँच हो जाए। अरे सर आप हमारे देश की जनता की आवाज हैं। आप पहुंचा सकते हैं, आप पहुंचा सकते हैं, लेकिन देश में जितना मंदी का दौर, महंगाई, ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर। महंगाई पे कोई वोट देता है सर? क्यों नहीं? अगर मंदिर ये नहीं होता सर, सर 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 धर्म के नाम पे कोई नहीं। ऐसा होता है, कलयुग है। कलयुग में जितना गलत लोग आगे चलेंगे, शुरू में बात भागते हैं। जीत नहीं, हम कभी नहीं करते। हम कभी नहीं, हमारी पार्टी कभी नहीं करती। हम कभी करते रिश्तेदार करते होंगे, पता नहीं। मैं कुछ रिश्तेदार के, हमने उनको समझाया बहुत कुछ। हाँ ये बात ठीक है, रिश्तेदार किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन हमने बहुत से रिश्तेदार को समझा, कहा कि धर्म के नाम पे मत बटो। धर्म का नाम पे बट रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। ये सब बेकार, धर्म का बीज इन्होंने बोया है। कोई धर्म का नाम दिया? 70 साल से धर्म नहीं था? 67 साल से देश में धर्म? 67 साल से देश में धर्म नहीं था क्या? अभी धर्म आ गया क्या? जब नहीं रह रहे थे, जब हिंदू मुसलमान नहीं थे, और सारा DNA हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, ये हिंदुस्तान का DNA सारा, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, यहूदी है, कोई भी है। लगता है इस भारत जोड़ो यात्रा से 24 में कुछ होगा? 24 में तो अब आवाज देख लीजिए, आप बताइए, आप देख रहे हैं, देखा सैलाब क्या है? इन्हें किसी ने बुलाया नहीं है। ये सब लोग खड़े हैं, देखो पूछिए इनसे, ये सब मर रहे हैं सारे। ये सैलाब गुजरात में, दिल्ली चुनाव में कहां चला गया? अरे सर, वोटों पहले सुनिए, वोटों परसेंटेज कितना?
बड़ा है सर हमारा पहले से। आप देखिए हिमाचल में सरकार आगे नहीं आ गई, हिमाचल में सरकार आई नहीं आई, देश के अंदर वोटों परसेंटेज बढ़ा है कांग्रेस का। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, सुनिए लोगों में लोग जो है बावजूद होते हैं। हाँ बोलिए, कहाँ पूछिए हरियाणा पूरे इंडिया में आएगी सर, पूरा इंडिया में 50 साल उनके बस का नहीं है। 2014 से एक ऐसी सरकार आई है जो हमें ये पता लग गया कि कौन हिंदू और कौन मुसलमान है। पहले पता नहीं था, पहले नहीं पता था। हाशिमपुरा कांड भूल गए, अरे वो कांड भी, वो सारे कांड, मेरी बात सुनो, ये सारे मुद्दे होते रहते, सब पता था, सब पता था। ये हाशिमपुर नहीं, आप मुजफ्फरनगर की बात करो, आप गोधरा की बात भी करो, आप गुजरात दंगे की बात भी करो, वो लोग दंगे करते थे जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं। अगर वो लोग दंगे नहीं करते, हाशिमपुर जैसे, मुजफ्फरनगर जैसे, गोधरा जैसे कांड अगर नहीं करते तो वो सत्ता में नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता है एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी है जो नफरत से मोहब्बत करती है, जो नफरत को पसंद करती है। बात करते हो बार बार, कांग्रेस की सरकार है, क्यों नहीं जेल में डाल पाए, क्यों नहीं न्याय दिला पाए? कांग्रेस लोकतंत्र पर भरोसा करती है। अरे सुनिए सर, सुनिए, कांग्रेस लोकतंत्र पर भरोसा करती है। जिन लोगों ने गोधरा कांड किया था उन पे मुकदमे भी हुए थे, उन लोगों को जेल भी हुई थी और उन लोगों को कोर्ट ने छोड़ा था, पार भी हुए थे, उन लोगों को कोर्ट ने छोड़ा था। लेकिन भाजपा में क्या होता है, अगर भाजपा में कोई दंगा करता है, किसी की लिंचिंग करता है, तो उसको भाजपा बचाती है, उसको माला पहनाती है। ये फर्क कांग्रेस और बीजेपी में है। आपको नहीं लगता जो कांग्रेस में थे अब बीजेपी में, फिर जब कांग्रेस की आएगी वही बीजेपी में आएगी? अब नहीं आएंगे वो, अब नहीं, एक मिनट भाई, अब वो नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि जो चेहरा ना, जो कांग्रेस में, जो कांग्रेस को खुक्कल कर रहे थे अंदर से, आरएसएस की निक्कर पहन के, उनको राहुल जी भी पहचान चुके हैं। वाले नहीं है अभी, नहीं है, बहुत छटनी हो चुकी है। अगर कोई इक्का दुक्का है तो वो भी निकल जाएगा, भारत यात्रा जोड़ो पूरी यात्रा होने के बीच में ही निकल जाएगा। अच्छा जी, वो भी आप कह रहे हैं नफरत को तोड़ो, नफरत को तोड़ो, भारत जोड़ो। अभी तक तो हमारे मुस्लिम भाई आज तक छूटे ही ना जेल। देखिए बात, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी है, ये किसी एक धर्म एक समुदाय की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों को आपस में लड़वा दिया गया, इसलिए इस भारत जोड़ो यात्रा निकालने की राहुल जी को जरूरत पड़ी है, और इससे भारत जुड़ रहा है। वो सबका साथ सबका विकास कहते हैं, आप उनसे ये पूछ लीजिए, आप उनसे पूछिए जो भाजपा की केंद्र में सरकार है उसमें कितने मिनिस्टर, जो भाजपा की केंद्र की सरकार है उसमें कितने मिनिस्टर मुसलमान हैं, कितने ईसाई हैं, कितने सिख हैं, क्या सिर्फ जो एक राज्यसभा भेजा भी कांग्रेस ने मुस्लिम, इमरान प्रतापगढ़ी को भेजा, एक ही बस। तो हमारे पास अभी है क्या कांग्रेस के पास, कांग्रेस के पास है क्या टोटल कितने भेजे राज्यसभा, कांग्रेस के पास जितने भी भेजे उन्होंने, ठीक है, उन्होंने देख के भेजा कौन मुस्लिम कहाँ भेजना है, हिंदू कहाँ भेजना है, सिख कहाँ भेजना है, उन्होंने पूरा मैच करके भेजा। वो भाजपा की तरह सिर्फ हिंदुओं को नहीं भेजते, मुसलमानों को दरकिनार करते हैं। आप वो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, आप उनसे पूछिए मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा क्यों नहीं बनाया उन्होंने, क्यों साइड में कर दिया, क्यों रामपुर में ले जाके उन्होंने इकट्ठा कर दिया, मतलब जब मंत्री बनाया जब भेजा तब आप कहते क्यों भेज दिया इसको, तब वो जीते थे राज्यसभा थे तब, राज्यसभा दोबारा क्यों नहीं बनाया गया, क्यों नहीं, अरे सबका साथ सबका विकास ऐसे थोड़ी होता है, ये क्या बात है, सबका साथ कोई भी है, सबका साथ सबका विकास ऐसे नहीं होता है, और कैसे होगा बताओ, सबका साथ सबका विकास होता है, जैसे राहुल जी कर रहे हैं, जैसे राहुल जी कर रहे हैं, प्रचंड बहुमत कैसे कर रहे हैं, अभी आपने रामपुर का उपचुनाव देखा, आपने रामपुर का उपचुनाव देखा आपने, जहाँ पे 70% वोटिंग होती थी वहाँ पे 28% वोटिंग हुई है, आप इसको क्या मानते हैं, आप कांग्रेस ने तो आंदोलन नहीं किया, ये कौन आंदोलन, सपा ने आंदोलन किया, सपा ने किया, सुना किसने, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो मुझसे कौन, मेरी सुन कौन रहा है, कांग्रेस के सरकार में, भाई एक मिनट, ये कहना क्या चाह रहे हो, क्या बात है, क्या जवाब बोलो ना, क्या जवाब ये है, अगर हमारी मांग पूरी होगी तो ठीक है, वरना ये बीजेपी तो जाने वाली है गड्ढे में, और मोदी की बात है हिस्सेदारी का, हिस्सेदारी सिर्फ कांग्रेस देती है। आप कहते हैं कि उनको बहुमत मिल रही है, प्रचंड बहुमत मिल रही है, आप वोट नहीं डालने दे रहे, आप मुसलमानों के वोट काट रहे हैं, ठीक है, रामपुर में मान लिया जाए ऐसा हुआ और वीडियो भी सामने आए, बिल्कुल, क्या हुआ, चुनाव आयोग ने क्या किया, ये सवाल आपको करना चाहिए चुनाव आयोग से, आपको भाजपा से करना चाहिए ये सवाल, पार्टी भी तो करे ना कुछ, पार्टी ने किया, सब मीडिया पार्टी ने किया, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस और बीजेपी का फर्क बताता हूँ मैं आपको, कांग्रेस के टाइम में अगर चुनाव आयोग में एक शिकायत करते थे तो डीएम एसपी हट जाता था, मुरादाबाद मंडल में एक कमिश्नर बैठे हुए हैं,
एक कमिश्नर बैठे हुए 6 चुनाव करा चुके हैं, 600 बार शिकायत हो चुकी है, कहाँ है चुनाव भैया, कहाँ है लोकतंत्र? गुजरात इतना हल्के में क्यों छोड़ दिया? गुजरात हमने हल्के में नहीं छोड़ा, गुजरात में उनका छोटे भाई गए थे, छोटे रिचार्ज वहाँ गए थे चुनाव लड़ने के लिए। तो नहीं जाए तुम्हारे अलावा कोई और चुनाव न लड़े? नहीं जाए, वो जाए, हम ये नहीं कहते, पहले अपने आप को कोई और चुनाव न लड़े। हम कब कह रहे हैं कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है, ये जितनी भी राज्य पार्टियां हैं, अगर कांग्रेस उनको दबाना चाहती जैसे आज भाजपा दबा रही है तो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही होती, और हो सकता है बीजेपी भी ना होती। लेकिन सवाल एक खड़ा होता है, दलित मुस्लिम का वोट अभी भी कांग्रेस को दे रहा है जहाँ जहाँ उनका वो है, ठीक है ना, वो लेकिन, जो लेकिन जो सवर्ण वोट है वो कांग्रेस के पास क्यों नहीं वापस आ रहा? वो भी आएगा, जो धर्म की अफीम जो चटा रखी है ना अभी, ये ज्यादा देर नहीं चलने वाली है। आप किसी भी चीज का नशा करते हैं, नशे में आपको भूख नहीं लगेगी, कुछ वक्त तक भूख नहीं लगेगी आपको, लेकिन वो नशा आपका परमानेंट नहीं है। तो चल रहा, देखिए बढ़िया चल रहा, देखिए। अरे तो अभी ये भारत जोड़ो यात्रा उसी के लिए तो निकाली गई है ना, भारत जोड़ो यात्रा तो तभी जब गुजरात का चुनाव हुआ, दिल्ली का चुनाव। गुजरात का चुनाव को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, गुजरात के चुनाव में भी क्या हुआ, अगर वहाँ पे हमारे ओवैसी भाई नहीं जाते, हमारा छोटा रिचार्ज नहीं जाता, ठीक है, हम तो छोटे रिचार्ज से कहते हैं पूरा, आप भी एक छोटा भाई पैदा कर लो। नहीं है, हमें जरूरत नहीं है, हमारा समाजवादी भी हमारा छोटा भाई है, बीएसपी भी हमारा छोटा भाई है, केजरीवाल भी हमारा छोटा भाई है, लेकिन धुबरीकरण की राजनीति कांग्रेस नहीं करती है, ना करती थी ना करेगी। या फिर आप बीजेपी से मुकाबला नहीं कर पा रहे? नहीं, हम बीजेपी से तो मुकाबला कर रहे हैं, हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई केजरीवाल से नहीं है, अगर केजरीवाल से लड़ाई होती तो बताओ हिमाचल में बताओ कितनी सीट आई है बीजेपी को, बोल नहीं रहे आप लोग, कितना जितना केजरीवाल पे हम लोग, आपने केजरीवाल पे सवाल ही नहीं किया, आपने सवाल ही कांग्रेस और बीजेपी पे किया, तो आप जो सवाल करेंगे हम जवाब उसका देंगे ना। नहीं आपको खतरा केजरीवाल, अगर केजरीवाल, हमें खतरा किसी से नहीं है, हमें खतरा भाई ने सही बोला, मीडिया से, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हमें उससे खतरा है। अगर मीडिया बात करती है निष्पक्षता की, एक बार निष्पक्ष दिखाए तो सही, मीडिया भी तो आप ही देखते हैं, हम नहीं देखते, हमने गोदी, हमने भारतीय जनता पार्टी है, मोदी की सरकार है, ये सिर्फ एक ही तरफा देखते हैं, ये किसी को ना मुस्लिम को देखते हैं, ना दलित को देखते हैं, ना ये किसी मिलित, जो ये सब कौन नहीं देखता, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी नहीं देखते हैं, हाँ ये जो कांग्रेस है ये सबको साथ, कांग्रेस ने क्या क्या करा? कांग्रेस ने तो बहुत कुछ करा शुरू से कांग्रेस हाशिमपुरा जी, सब जगह इन्होंने अच्छा से अच्छा काम करे हैं कांग्रेस ने, कौन सी जगह नहीं करा, शीला जी ने तमाम दुनिया भर दिल्ली में पुल बना दिए, एक से एक अच्छा रास्ता बना दिया, शीला जी के सरकार में 15 साल सरकार, मुसलमान चल रहे हैं और भी चल रहे हैं, और सारे चल रहे हैं उस पे, तो फिर क्या इसमें आपको क्या मिला, आपकी हिस्सेदारी क्या हुई? आपकी हिस्सेदारी जहाँ हिस्सेदारी है, हमारी बराबर की हिस्सेदारी है इसमें।